रूल्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। हम C++ में फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करनी है, उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, GPC डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। C++ है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जब एक ही चीज़ है वो अलग अलग काम करती है, एक ही नाम है वो काम अलग अलग है, तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों एग्जांपल आते हैं। और ये ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पर काम करती है। कंप्यूटर है, उसको कंपाइल टाइम पर पता रहता है कि कब कौन सा फंक्शन कॉल होगा या कौन सा ऑपरेटर कॉल होगा। तो कंपाइल को हिंदी में संकलन भी बोलते हैं। कंपाइल करना, संकलन करने का मतलब कोई भी चीज़ है, कोई काम करना, उसको अच्छे से जमाना, उसको संकलित करना, सिस्टमेटिक करना उसको। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कंपाइल करते हैं तो कोई भी एरर्स होती है उनका पता लग जाता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जो संकलन समय बहुरूपता है, उसके उदाहरण है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, उसके कुछ नियम हैं। एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं या इनबिल्ट ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, सिर्फ उनको ही ओवरलोड किया जा सकता है। इनबिल्ट का मतलब क्या है, जो C++ लैंग्वेज हम काम में ले रहे हैं तो उसमें पहले से जो ऑपरेटर्स बने हुए हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, अगर कोई यूजर डिफाइंड है तो उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो जो अंतर्निहित है, इनबिल्ट है या बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, उनको ही ओवरलोड किया जा सकता है। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है या ऑपरेंड्स है जो एक फंक्शन या ऑपरेटर लेता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन या ऑपरेटर जितने ऑपरेटर लेता है या ऑपरेंड लेता है, उनकी संख्या को हम नहीं बदल सकते। जैसे यूनरी ऑपरेटर है, उसको यूनरी ऑपरेटर की तरह ही काम में ले सकता है। यूनरी ऑपरेटर वो होता है ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर ऑपरेंड सिर्फ एक ही होता है। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं अपने, प्लस प्लस और माइनस माइनस, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट, जो भी हो, लेकिन वो यूनरी ऑपरेटर होता है। आई प्लस प्लस करते हैं ना तो आई की वैल्यू बढ़ती जाती है, आई माइनस माइनस करते हैं तो आई की वैल्यू घटती जाती है। तो आई यहाँ पर क्या है, ओपरेंड है, और प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर। तो ऐसा नहीं है कि हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो यूनरी ऑपरेटर है उसके अंदर हमने दो ऑपरेंड पास कर दिए, ऐसा नहीं होगा। यूनरी ऑपरेटर है वो यूनरी की तरह कार्य करेगा, और बाइनरी है वो बाइनरी की तरह करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक जो ऑपरेटर्स है उनका प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी है वो भी चेंज नहीं होगा, जो पूर्व धारणा है वो भी समान रहेगी। जैसे प्रीसीडेंस हम ये देखते हैं कि हमने एक इक्वेशन लिखी है, एक्सप्रेशन लिखी है, तो उसमें 2 + 5 जैसे देखते हैं, हमने लिखा है 2 + 5 * 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 2 को 5 से जोड़ दोगे,
पहले जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। इसका मतलब पहले उस ऑपरेशन को करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 2 17 आएगा। ऐसा नहीं आप 5 प्लस 2 7 हो गया और 7 या 21 कर दिया, तो 21 नहीं आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस होती है। अब आप स्टार है प्लस है उसको अगर आप ओवरलोड करते हो, जैसे यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनको वेरिएबल्स के साथ काम में ले रहे हैं, किसी नंबर के साथ में। अब जैसे हमने देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, उसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के काम में लिया था। तो चाहे आप ओवरलोड कर लो, लेकिन इनकी जो प्रेसिडेंस है वो वैसी रहेगी, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जब ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर्स को, तो जो इनबिल्ट डेटा टाइप है उनके लिए हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कम से कम एक है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे हमने प्लस को ओवरलोड किया था, तो प्लस क्या होता है, पहली बात तो वो इनबिल्ट ऑपरेटर है, फिर प्लस है वो दो नंबर्स को जोड़ने के काम में आता है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या थे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थे वहाँ पर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनबिल्ट डेटा प्रकार है उनके लिए हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कम से कम एक है वो यूजर डिफाइंड डेटा प्रकार होना चाहिए। कुछ ऑपरेटर्स है जैसे असाइनमेंट है, इक्वल टू का साइन आता है, एड्रेस है एम्परसेंड और अल्पविराम कोमा है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से ओवरलोड है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से ओवरलोड है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। इन पर देखिए बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ये पहले पुराने पेपर्स में पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। तो कोलन कोलन, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। स्कोप रिजोल्यूशन कहाँ काम में लेते हैं आपने देखा होगा, जब किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर्स हैं उनको हम क्लास के बाहर जब डिफाइन करते हैं तब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम में लेते हैं। डॉट, डॉट होता है क्लास मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क कोलन, इसको बोलते हैं टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, इसको भी हम नहीं कर सकते। डॉट स्टार, ये होता है पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। और एरो और स्टार, या उसको लिखते हैं ऐसे माइनस ग्रेटर देन फिर स्टार, ये पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये हमारे रूल्स थे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।